दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। युगों युगों की वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। युगों युगों की वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। We are witnessing today. Thank you. Vandana ji, Rashmi ji, we'll start our question answer session. जो हमारे मन के session के बाद आए हैं, पहला सवाल जो आया है वो है मन और मस्तिष्क में क्या फर्क है। बिल्कुल उसी तरह है जैसे कंप्यूटर को यूज करना है ना आजकल सभी लोग, तो कंप्यूटर में जो दिखाई देते हैं हार्ट हार्डवेयर और कुछ ऐसा है जो कंप्यूटर चला रहा है सारा सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर है मस्तिष्क और जो सॉफ्टवेयर है वो है मन, जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है ना वंदना जी। इसी तरह दिख रहा है, पता चल रहा है सबको, बहुत माइन्यूट अंतर है लेकिन अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा जी, I think it's also a flow of energy. इसको संभाला जा सकता है। बिल्कुल, जैसे एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रकाशित है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी भी तो बह रही है ना, तो वही मस्तिष्क और मन है। तो मन को संभाला जा सकता है, इसकी वो कॉन्शियसनेस है। दूसरा सवाल है मन क्या है, शरीर के बाद में ये होता है, ये क्या करता है। सो मन जो है वो एक हमारे अंदर जो फैकल्टी है जिसके द्वारा हम सारी अपनी जो इंद्रियां हैं जो उसमें महसूस कर सकते हैं, वो तो परसीव कर सकता है, वो मन है। अब मानिए हम और आप बात कर रहे हैं लेकिन बीच में मन कहीं और चला जाए, किसी और की आवाज आ रही है, तो मन अगर वहां चला गया तो जो यहाँ बातचीत हो रही है वो सुनाई नहीं देगी। अक्सर ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, है ना, जब बच्चे मानो कोई बात बता रहा होता है तो उतनी देर में कोई भी आवाज बाहर से आए तो आवाज का ध्यान चला जाता है या तो और देखना शुरू हो जाते हैं। तो जो हो रहा है वो आंखें देख रही हैं या कान सुन रहे हैं लेकिन हम असल में ना देख रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं, और हमारी पांचों इंद्रियों को समझने वाला पकड़ाने वाला मन है। सो मन ऐसा ही है, और कहाँ होता है आपने जैसे पूछा, तो आंखें बंद करते हैं एक सेकंड के लिए, सब बच्चे आंखें बंद करेंगे। अब ढूंढते हैं मन कहाँ है। चलो धीरे से अपने नाक नाक के बारे में देखो, नाक कहाँ है। अब अपना ध्यान पांव में ले जाओ, आपने जो वस्त्र पहने हैं उनमें ले जाओ, आपने कोई बैज पहना होगा स्कूल में उसको ले जाओ। अच्छा अपने फ्रेंड्स, अच्छा नानी हाउस, तो आप देखो आंखें क्यों खोल रहे हो, तो हम जहां भी चाहे मन वहां जा सकता है कि नहीं। मन में कितनी ताकत है कि मन को जहां भी देखो तो वही है, और एक बार फिर आंखें बंद करते हैं, राजा एक बार फिर आंखें बंद करते हैं और अब देखते हैं मन कहाँ है, उसको ढूंढो अपने अंदर। मन कहाँ है, कहाँ छुपा बैठा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, अरे देखो तो, अरे मिल ही नहीं रहा, नहीं मिला अभी तक, अरे वाह आंखें खोलो, तो अब ऐसा लगा मन कहीं भी नहीं है। तो देखो मन कैसा है, जो कहीं भी हो सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता है। अब आजकल देखो ना कोविड टाइम्स में हम घर पे बैठ के क्लासेस लेते हैं,
और क्लासेस लेते हुए अपने वेकेशंस को भी याद करते हैं, उस समय को भी याद करते हैं जब कहीं बाहर जाया करते थे। लेकिन हम आंख बंद करते हैं और हम कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और ऐसे देखें तो मन कहीं पे भी नहीं दिखता है। रश्मि से आप इसे ऐड करेंगे? देखो, मुझे तो ये लगता है कि मन बिल्कुल एयर की तरह है, वायु की तरह है, हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें लगता है कि नहीं है। लेकिन जो ही तेज चलती है अनुभव होता है, पंखा चलता है अनुभव होता है। तो इसी तरह मन जब अपनी स्थिति को बदलता है, मन जरा हिलता डुलता है तो हमें पता चल जाता है। और जैसा प्रश्न में था कि क्या करता है, तो ये ऐसा है मन जो चंचल भी बन जाता है, जिद्दी भी बन जाता है और ताकतवर भी बन जाता है। इसके लिए याद है ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सुंदर गीता का एक श्लोक सुना था, छठे अध्याय का 34वां श्लोक, याद है कुछ लोगों को? तो मुझे लगता है तो सुनते हैं आज भी उसको। चंचलम हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो बस क्लैरिटी हुई ना कि मन वो साधन, वो फैकल्टी है जो इंद्रियों से हम जो भी देखते सुनते करते हैं उसको उसका भान कराता है, हमें पता चलता है कि वो है। और मन कहाँ है, तो कितना सुंदर वंदना जी ने बताया कि अभी तो देश विदेश में कहीं भी, और अभी बिल्कुल यही, तो कहीं भी होता है और कहीं नहीं भी होता, और ये चंचल भी है, जिद्दी भी है और विद्वान भी है। सायना, आपने पिछली बार भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की थी, मैं चाहूंगी थोड़ा आप बताओ। As I said, mind is energy. रास्ता सीधा है, मोड़ सारे मन के हैं। मन को एकाग्र कीजिए, मन को संभालिए। इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि उसको उसकी एनालिसिस, उसकी शक्ति, उसका तर्क, उसको लाइए और अपने मन को संभालिए, मन की शक्ति को बढ़ाइए। वो आपके आत्मा को वो काम, वो कार्य लगेगा, आपकी आत्मा को बढ़ाएगा, वो आपको आत्मबल देगा। युगों युगों की वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। युगों युगों की वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। ज्ञान है पुनि सा, सुन लो ये भगवत गीता, बोले भगवान।